फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईएफबी इंग्लिश फॉर बिगिनिंग। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्या लेसन 62, जहां पर हम देखेंगे यूज्ड टू के एक्टिव और इसी यूज्ड टू के पैसिव को जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे बनाए और कैसे बोले जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर बात यूज्ड टू की जा रही है तो इसको हम लोगों ने पहले भी कभी पढ़ के रखा है, जहां पर मैंने आपको यूज्ड टू, यूज्ड टू बी और यूज्ड टू हैव को अलग अलग करके आपको समझाया था। आज उसी यूज टू के एक्टिव और पैसिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो एक्टिव में माइंड कीजिए कि यूज टू के एक्टिव में इसकी पहचान क्या होती है, आ करता था, आ करती थी और आ करते थे। जहां पर ये जो आ की मात्रा है ना, ये वर्ब के साथ में जोड़कर आएगी। कुछ सेंटेंस मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि वह मुझे चिढ़ाया करता था, पापा मुझे डंडे से पीटा करते थे, मम्मी मुझे रोज सजा दिया करती थी, मैं वहां फुटबॉल खेला करता था, तो खेला करता था, सजा दिया करती थी, पीटा करती थी, यानी वर्ब के साथ जब आ की मात्रा जुड़े और करता था बिल्कुल अलग से लिख के, उस कंडीशन में हमें किसका यूज करना होता है, यूज्ड टू का। तो ये तो बात हो गई एक्टिव की। अगर बात पैसिव की सेंटेंस की जा रही है तो यहां पर माइंड कीजिए हमारी जो पहचान है ना वो क्या हो जाएगी, जाया करता था, जाया करती थी और जाया करते थे। जहां पर ये जाया करता था वर्ब के बाद में अलग से लिख के आएगा। एक सेंटेंस को फिर से सुनिएगा और समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि उसके द्वारा अंग्रेजी बोली जाया करती थी, तो सेंटेंस हमारा कहाँ का हो गया, पैसिव का। मम्मी के द्वारा मुझे सजा दी जाया करती थी, तो फिर से हमारा सेंटेंस कहाँ का हो गया, पैसिव का हो गया। तो इस तरीके से जो यूज टू है ना वो पास्ट की हैबिट को दर्शाने के लिए, पास्ट की हैबिट को बताने के लिए कि पास्ट में कभी मैं ऐसा काम किया करता था या फिर किसी के द्वारा ऐसा काम किया जाया करता था, उसी को बताने के लिए यूज किया जाता है। इसमें कुछ एग्जांपल देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैंने आपसे कहा होता कि वेन मुझे डाटा करता था, तो बात मैं पास्ट की कर रहा हूं कि पास्ट में कोई व्यक्ति है जो मुझे डांटने का काम किया करता था। तो सेंटेंस हमारे पास कि वह मुझे डांटा करता था, और ये हमारा सेंटेंस कहां का हो गया, एक्टिव का। अब फ्रेंड्स, अगर ये हमारा सेंटेंस एक्टिव का है तो इसके एक्टिव से बना लीजिए, और सबसे पहले मुझे क्या रखना होगा, सब्जेक्ट, जो कि यहां पर क्या हो गया, ही। इसके ठीक बाद हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप क्या रखना है, यहां पर यूज टू, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है जो कि यहाँ पर क्या थी, डांटना, और डांटना को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड। तो सेंटेंस हमारा क्या बनने वाला है, he used to scold, मुझे की अंग्रेजी बनाने के लिए यहाँ पर हमें कैड करना होगा मी। हमारा स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट हो चुका है, he used to scold me, वह मुझे डांटा करता था। पापा used to come here, पापा यहाँ आया करते थे। मम्मी used to sing a song, मम्मी गाना गाया करती थी। I used to play football, मैं फुटबॉल खेला करता था। She used to irritate me, वह मुझे चिढ़ाया करती थी। अब फ्रेंड्स, अगर इसी सेंटेंस को मुझे पैसिव करना होता तो मुझे कैसे बोलना पड़ता, कुछ इस प्रकार से ना, कि उसके द्वारा मुझे डांटा जाया करता था। अब देखिए, आपके सामने मैंने जो सेंटेंस लिखा है वो सेंटेंस हमारा कहां का हो गया, पैसिव का हो गया। अब अगर ये स्टेटमेंट अगर पैसिव का है तो सबसे पहले हमें क्या रखना होगा, ऑब्जेक्ट रखना होगा। तो वर्ब क्या थी, डांटना, और किससे डांटा जाया करता था, मुझे, इस मुझे के लिए मुझे यहाँ पर क्या ऐड करना होगा, आई, और इसके बाद हमें यहाँ पर क्या ऐड करना होगा, यूज टू, फिर हमें क्या लगाना है, बी। तो यूज टू बी हमारी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी। आपको हर बार यूज टू बी रखना ही पड़ेगा, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म रखनी है, थर्ड फॉर्म, जो कि यहाँ पर क्या थी, स्कॉल्ड। तो अब हमें क्या लिखना होगा, स्कॉल्डेड, और सेंटेंस क्या बनने वाला है, कि आई यूज्ड टू बी स्कॉल्डेड बाय हिम। बन गया हमारा पूरा स्टेटमेंट, सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, मुझे उसके द्वारा डाटा जाया करता था, या फिर उसके द्वारा मुझे डाटा जाया करता था। अब फ्रेंड्स, अगर बात प्रैक्टिस की है तो आप एक एक्टिव का सेंटेंस लीजिए और उसको तुरंत पैसिव कीजिए, या फिर पैसिव का सेंटेंस लेकर उसको एक्टिव कर लीजिए, कुछ इस प्रकार से। सी यूज टू इरिटेट मी, वह मुझे चिढ़ाया करती थी, एंड आई यूज टू बी इरिटेटेड बाय हर, उसके द्वारा मुझे चिढ़ाया जाया करता था। अ सॉन्ग यूज टू बी संग बाय मम्मी, मम्मी के द्वारा गाना गाया जाया करता था, एंड मम्मी यूज टू सिंग अ सॉन्ग, मम्मी गाना गाया करती थी। फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप भी प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।